मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारी के अनुपस्थिति एवं व्यवस्था के अभाव के कारण सोमवार को वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने बताया कि जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होना था। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिन 5 पंचायतों में देवधा उत्तरी, देवधा मध्य, बहराई, बरही एवं रजौली पंचायत के 69 वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देना था। अधिकारियों के द्वारा सूचना नहीं देने के कारण करीब 31 वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर में ससमय उपस्थित हुए थे, लेकिन 1 बजे दिन तक प्रशिक्षण शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति व प्रशिक्षण शिविर में अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण उपस्थित वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर दिया। सुरेश कुमार यादव ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में BDO एवं पंचायत राज पदाधिकारी दोपहर 1 बजे तक अनुपस्थित रहने के कारण हम लोग बहिष्कार कर हाल से निकल गए। प्रशिक्षण में आए बेचैन कामत, श्याम साह, मो जब्बार मंसूरी, संतोष चौधरी, मो इलियास एवं मिथिलेश साह समेत अन्य ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर वापस चले गए। यहाँ पर जो है 3 दिवसीय वार्ड सदस्य का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, जिसमें आज 5 पंचायत को यहाँ पर TPC भवन में बुलाया गया है और 5% जो है परवा बेली में चल रहा है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर ना बैठने का व्यवस्था था, 11 बजे हम लोग को बुलाया गया है और सभी पंचायत में सूचना भी नहीं दिया गया था। ना तू बैठा वो मरे। उसके बाद हम लोग 11 बजे से 1 बजे आए हैं तो प्रशांत जी आए मात्र ना, यहाँ पर BDO मैडम है ना, BPRO सर है, यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है, नाश्ता का व्यवस्था है, ना खाना का व्यवस्था है, जबकि सरकार द्वारा चिट्ठी में स्पष्ट रूप से दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपया खर्चा करना है। यहाँ पर वार्ड सदस्य के साथ अवहेलना किया जा रहा है पदाधिकारी द्वारा। आप लोग प्रशिक्षण लिए कि नहीं? प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं यहाँ पर, प्रशिक्षण नहीं लिया आप लोग, पदाधिकारी नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम सुरेश यादव, प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ जयनगर, प्रखंड अध्यक्ष। 5 पंचायत का प्रशिक्षण शिविर है जो हम लोग को वार्ड सदस्य के माध्यम के ग्रुप से वह जानकारी मिला है, और जो विधिवत हम लोग को सूचना पंचायत सचिव के द्वारा होना था वो नहीं हुआ है। वैसे हमारे जयनगर बस्ती का दिनांक 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुरेश जी का मेरा थोड़ा आग्रह हुआ कि आप थोड़ा कृपया करके आइए, इस वार्ड सदस्य संघ के एक हम संरक्षक के रूप में हैं तो यहाँ आए हैं। 5 पंचायत में मात्र हमारा 69 सदस्य में जो 31 सदस्य मात्र है, 12 पंचायत पूरा नील है और सभी पंचायत से मतलब जो नील का कारण क्या नहीं है, नील सूचना का कारण है, सूचना दिया ही नहीं गया है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग के ग्रुप किसी अधिकारी से आपकी बात हुई जी? किसी अधिकारी से हमारे BDO साहब से बात हुई। क्या बोले BDO साहब? किसी से बात नहीं हुई। ये तो मेरा नाम हुआ सूर्यनाथ महासेठ, वार्ड संघ के संरक्षक। बहिष्कार का यही है कि आज रजौली, देवधा उत्तरी, देवधा मध्य, बहरा और बरही का वार्ड सदस्य को परीक्षण देना था 19 से लेकर 21 तारीख तक। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात वार्ड सदस्य के साथ अनियमितता पदाधिकारी के द्वारा तब होता है कि जब जानकारी यानी कि हर वार्ड सदस्य को प्रतिलिपि के रूप में जो चिट्ठी आया है पंचायती राज विभाग से वो देना है, लेकिन किसी वार्ड सदस्य तक कोई भी प्रतिलिपि, कोई भी चिट्ठी या ब्लॉक से, प्रखंड से नहीं गया है, जिसके कारण अनुपस्थिति भी कुछ कम हुआ है। जो भी उपस्थित है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही माननीय अथी वाली बात हो रहा है कि यहाँ पर परीक्षण सेंटर पर न पानी का व्यवस्था है, न बैठने का व्यवस्था है, न खाना या नाश्ता किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उमस गर्मी में लोग परेशान है, न यहाँ पंखा का व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। 11 बजे से था, जबकि हमारे वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष है सुरेश यादव जी, उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को यानी कि फोन करके भी पूछा कि ये सारी व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, इसके कारण अगर ये व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग बैठक का बहिष्कार करेंगे, तो कहा है कि बहिष्कार करना है, कुछ करना है, कुछ कीजिए, हमको कोई अथी नहीं है, मतलब नहीं है। क्या नाम हो गया आपका जी? मेरा नाम हुआ श्याम कुमार साह, हम वार्ड संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।